देखो जरा 8th क्वेश्चन क्या है। एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन है, गिवन नहीं है सॉरी, फाइंड करनी है मैट्रिक्स एक्स हमें फाइंड करनी है। और हमें क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इंटू एक्स इंटू एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमें गिवन है बच्चों दैट इज इक्वल टू -7 -8 -9 -7 -8 -9 2 4 6 ये भी गिवन है और हमें एक्स फाइंड करना है। आकाश बताओ एक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। वंस पहले जो एक्स मल्टीप्लाई है वो उसमें विष्णु बताओ, पहले उसमें एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे सर, और जो वैल्यू आएगी उससे कॉरेस्पॉन्ड कर देंगे। एक्स इज नॉट ए नंबर, एक्स एक मैट्रिक्स है ठीक है। तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नंबर होता तो हम एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते। साइरा आप बताओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें ये देखना होगा कि एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है जी ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये एक मैट्रिक्स है एक्स, कौन सी मैट्रिक्स है ये, एक्स मैट्रिक्स है, इसके साथ एक दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई है ठीक है, और इनका रिजल्ट एक नेक्स्ट मैट्रिक्स आया है। तो एक्स का ऑर्डर हमें पता नहीं, इसलिए हम एक्स के ऑर्डर को क्या मान लेते हैं, एम क्रॉस एन मान लेते हैं। एक्स का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन ठीक है। अच्छा जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारी ये वाली मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, तीन इसमें क्रॉस दो रो हैं तीन और तीन कॉलम है, और जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। बच्चों हमने सीखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड के रो इक्वल होने चाहिए। तो वहाँ से हमें क्या पता लगता है, अगर हम लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स बी एम क्रॉस एन, ये हमने अज्यूम कर लिया मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होना चाहिए, एम इज इक्वल टू सॉरी एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। उसका कारण समझ गए आप क्यों, एन होना चाहिए टू। और बच्चों जो नई मैट्रिक्स आती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आकाश, तो वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, वो M+3 होती है फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम, यानी कि जो ये वाली मैट्रिक्स आएगी राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर होना चाहिए एम क्रॉस एन सॉरी एम क्रॉस थ्री होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए M+3, ये बात क्लियर है ठीक है। इसका ऑर्डर M+3 होना चाहिए, लेकिन इसका ऑर्डर तो पहले से दिया हुआ है, कितना है 2 क्रॉस 3। अगर हम M+3 को 2 क्रॉस 3 से कंपेयर करें तो M क्या बनता है, टू। M की वैल्यू हमारे पास आती है 2 राइट, ये बात सबको समझ आ गई ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्स का ऑर्डर कितना हुआ, एक्स का ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 2, एक्स का ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2 क्रॉस 2। सो मैट्रिक्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए बी सी डी करेक्ट, मैट्रिक्स एक्स किस ऑर्डर की हो गई, 2
बाई टू ऑर्डर की, एंड जो सेकंड मैट्रिक्स हमारी वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू -7, -8, -9 ठीक है एंड 2, 4, 6 समझ आया इस टाइप से। अब आप फर्स्ट टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड वाली मैट्रिक्स से उसको इक्वेट करेंगे ठीक है। यहाँ तक लिखो और आगे सॉल्व करो इसको। यहाँ तक कोई डाउट है? करो ट्राई। बस तुझे हवा लग रही है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहुंच गए यहां तक? इसको लिखेंगे बच्चों हम ए वन से मल्टीप्लाई होगा ए आएगा प्लस में 4b, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2a प्लस 5b। अच्छा मैट्रिक्स का टेस्ट कब दे दोगे भाई? 3a प्लस 6b, फिर आएगा बच्चों c प्लस 4b, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, दैट इज इक्वल -7, -8, -9, 2, 4, 6 ठीक है। कंपेयर करो जैसे क्लास टेंथ में आप करते थे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करते हैं ए प्लस 4b को किससे? 7 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? ए प्लस 4b इज इक्वल टू 7 माइनस 7। सेकेंड एलिमेंट को आप कंपेयर करते हैं किससे करेंगे? -8 से, इक्वेशन क्या बनेगी? 2a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू -8 करेक्ट। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14। दोनों को माइनस करते, ये मेथड आता है जो क्लास 10th में सीखा था, याद है या भूल गए? इसको इससे कट कर देंगे, -3b क्या आएगा भाई? +6, सो b इज इक्वल टू -2, क्या आया आप लोगों का? ठीक है। अब इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डाल दें b को, तो a इज इक्वल टू -7 और यहाँ पर डालेंगे 4 into b, तो ये क्या हो जाएगा? -8, राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +8, सो a इज इक्वल टू क्या आ गया? +1 ठीक है। सिमिलरली आप इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर करेंगे 2 से, इक्वेट करेंगे सॉरी।
सी प्लस फोर डी, तो आपके पास आएगा सी प्लस फोर डी दैट इज इक्वल टू टू। एंड और अगर इस इक्वेशन को आप टू से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ साथ, चलो तो बाद में देखेंगे, टू सी प्लस फाइव डी वो आपका होगा फोर के इक्वल। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को अगर टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, टू सी प्लस एट डी दैट इज इक्वल टू फोर। ठीक है बच्चों, यही इक्वेशन आई है, माइनस करो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट हो जाएगा इससे और यहाँ पर माइनस थ्री डी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, और डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। डी को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे मान लो ये सेकंड इक्वेशन है इसी में डाल देते हैं, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, राइट। हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी थी, अब हमारी मैट्रिक्स एक्स क्या होगी, मैट्रिक्स एक्स थी हमारी ए बी सी डी, सो मैट्रिक्स एक्स क्या आ गई, मैट्रिक्स एक्स आ गई हमारी, ए की वैल्यू बताओ वन, बी क्या है माइनस टू, सी क्या है टू, और डी जीरो, तो ये आपकी मैट्रिक्स एक्स आ गई। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। कहाँ पे हो गए बेटे, आकाश कौन सा सम कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये चल सर कहाँ पर रह गए, सब्स्टिट्यूशन से करता हूँ सर, एलिमिनेशन पसंद नहीं हो गया। वंस हो गया, आगे साइड है, मैट्रिक्स एक्स लिखो, नेक्स्ट इज टेंथ क्वेश्चन। देखो बच्चों, इफ ए इज ए मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वंस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सर, जिसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, वो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, करेक्ट। जहां पर ए ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स के लिए, जिस मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और जिस मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल होता है वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, करेक्ट। सबको पता है, पता है ना, मुश्किल से थोड़ा सा भूले हैं, क्यों याद दिलाएगा, चलो आगे चलते हैं। इसमें वॉल्यूम दिखा रहा है कहीं पर, इसमें वॉल्यूम दिखा रहा है कहीं पर, अरे वाह सुनाई दे रहा है इसको, तो चलो सुनाई दे रहा है इसको, उसके माइक की आवाज़ सुनाई दे रही है या मेरे माइक की आवाज़ सुनाई दे रही है, हेलो 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 हेलो, डाउट आ रहा है सर, उसी की सुनाई दे रही है इसको, इसकी तो नहीं ले रहा मुझे लगता नहीं है, चलो यानी देखते हैं बाद में पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन को देखो जरा, टेंथ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके इक्वल होगा बच्चों, ए के इक्वल, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल, करेक्ट। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, और अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक मैट्रिक्स है जो बोथ सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सो ए डैश ए के इक्वल भी होगा और ए डैश माइनस ए के इक्वल भी है। अब एक बात बताओ,
ए डैश ए के इक्वल है और ए डैश माइनस ए के इक्वल है, तो क्या ए इज इक्वल टू माइनस ए नहीं होगा? दोनों के राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो क्या ए माइनस ए के इक्वल नहीं होगा? करेक्ट। यहां से क्या आ गया सक्षम, ए को लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्या बन गया यहां से? 2a इज इक्वल टू ए प्लस ए बन गया 2a, 2a इज इक्वल टू जीरो। सो a क्या आ गया यहां से? जीरो। इसका क्या मीनिंग हुआ वंश? a इज इक्वल टू जीरो मतलब a इज ए नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो चारों ऑप्शंस में से देखो कौन सा ठीक है। ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ना? ऑप्शन बी आपका क्या है? करेक्ट है। चलें आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों, इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एंड देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस सेवन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 11। ए स्क्वेयर किसके इक्वल गिवन है? ए के इक्वल, ठीक है। एंड आई आई प्लस ए होल क्यूब, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस सेवन ए, माइनस सेवन ए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो बच्चों मुझे ये बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? जिनको याद नहीं है वो लिख लो, वंश आप तो लिख ही लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, लिखो बच्चों इसको, और साथ साथ ए माइनस बी भी लिख लो फिर कहीं जरूरत पड़ेगी। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। गॉट इट वंश विष्णु? ठीक है, चलो बच्चों इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बताओ फिर क्या आएगा? आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री आई स्क्वेयर इंटू ए प्लस थ्री आई इंटू ए स्क्वेयर। आकाश ठीक है ये? गुड, दैट इज इक्वल टू, बच्चे ये बताओ आई का क्यूब क्या होगा? सेम ही रहेगा सर, वन वन होगा। आई का क्यूब क्या होगा? आई का क्यूब करेंगे तो वन वन वन, ऐसे मत कर देना, आई का क्यूब आप तो ऐसे करने लग गए, वन का क्यूब जीरो का क्यूब जीरो का क्यूब और वन का क्यूब, ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है। वन जीरो मल्टीप्लाई, हाँ आई क्यूब के लिए आप आई को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, आप आई क्यूब फाइन सायरा, आई क्यूब का आंसर क्या आएगा सायरा? बताओ सायरा, विष्णु बच्चे एक बात बताओ, आई क्यूब को आई आई स्क्वेयर इंटू आई लिख सकते हो? अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएगा, तो यहां पर वापिस क्या आएगा? आई स्क्वेयर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू आई तो ये क्या आता है? ए के इक्वल। तो बच्चों आई स्क्वेयर को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? आई स्क्वेयर, आई स्क्वेयर आ गया, और आई स्क्वेयर को आप क्या लिखेंगे? आई इंटू आई, आई इंटू आई। अब एक बात बताओ,
ये कोई भी मैट्रिक्स है और इसको आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाली मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही में मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये मान लो कोई भी मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी है, सो फर्स्ट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स आनी चाहिए, आई आना चाहिए, आंसर फाइनल आंसर क्या आया, आई। सो बच्चों आई, आई स्क्वेयर निकालते हो आप, आई क्यूब निकालते हो या आई की कोई और पावर निकालते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। सो आई क्यूब का आंसर क्या होगा बच्चों, आई ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ए क्यूब, ए क्यूब का आंसर क्या होगा, ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा? ध्यान रखो ए स्क्वेयर ए के इक्वल गिवन है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। ए क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है? तो बच्चों ये बना ए स्क्वेयर इंटू ए, राइट। ए क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए इंटू ए, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, चाहे आप फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई कर लो पहले या पहले बाद वाले टू को मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव, ठीक है? तो अगर आप फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करते हो तो ये ए स्क्वेयर बनेगा और इन टू में क्या है, ए। अब ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है बच्चों, ए के इक्वल, ए के इक्वल, राइट, इन टू में क्या है, ए। सो ये बन गया आपका फिर से क्या, ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए, समझे आप? तो इस ए क्यूब को आप लिखोगे ए स्क्वेयर इन टू ए माइनस थ्री। अभी अभी हम सीख के आए हैं कि आई की कोई भी पावर हो वो क्या हो जाता है, आई ही बनता है, वो आई के इक्वल ही आता है, प्लस 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 क्या है बच्चों बताओ जरा, कहां थे बच्चों बताओ जरा, इसके बारे में बताओ, थ्री आई इंटू ए स्क्वेयर को क्या लिखोगे, ए। तो बच्चों ये हो गया आई प्लस, अच्छा यहाँ पर ए स्क्वेयर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए प्लस थ्री इंटू आई प्लस थ्री इंटू ए, समझ आया? अच्छा आई तो आई ही रहेगा, ये अगेन क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस थ्री आई, ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये बताओ ये क्या बना, ये आई क्यों लिखा हमने, इसको आई क्यों लिखा बताओ जरा, इसको आई क्यों लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए तो ए मैट्रिक्स होता है, तो ये क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये थ्री ए आएगा। अच्छा थ्री ए, थ्री ए प्लस थ्री ए क्या बन गया, ये सिक्स ए, माइनस सेवन ए कर। अच्छा माइनस सेवन ए छूट गया हमारा, माइनस सेवन ए लिखो भी साथ साथ, हर जगह से माइनस सेवन ए है, नहीं नहीं साथ साथ। बच्चों आई प्लस, अच्छा ए स्क्वेयर की वैल्यू बताओ, ए, इसके जगह ए लिख देते हैं, और ये क्या बच गया, माइनस ए, तो फाइनली ये क्या आ गया, आई के इक्वल आ गया। आंसर चेक करो इसको, मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर आई माइनस ए है, एक बार चेक करो पीछे, आई है, ठीक है बच्चों समझ आया, कॉपी करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा खत्म हो गए, एग्जांपल्स निकालो बच्चे, 23rd एग्जांपल तो सिलेबस में है नहीं, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? 24th क्वेश्चन पे आ जाओ, एग्जांपल पे ये कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक है, यानी कि ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए डैश
ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है, ये तो हमें दिया हुआ है। शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, और हमें क्या शो करना है, शो क्या करना है, हमें शो करना है ए बी इज सिमेट्रिक। हमें ये शो करना है ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक, लेकिन इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है यहां पर, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यही है ना सर। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका क्या मीनिंग हुआ, कौन समझाएगा मुझे इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ। गिवन तो हमें ये था ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है, गिवन तो ये था, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी बी ए के बराबर है तो ये सिमेट्रिक है। बताओ जरा इसका मतलब, समझाओ मुझे, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, कौन बताए, आकाश। देखो बच्चों, हमें ये प्रूव करना है, कॉम्यूटेटिव तो होता नहीं है मैट्रिक्स में, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल तो कॉम्यूटेटिव हो सकता है ना, सारे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन एक दो एग्जांपल तो ऐसे बनाए जा सकते हैं ना, एक दो नहीं तो बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है, बट वो फिर मैट्रिक्स उसी हिसाब से देख के बनानी पड़ती है कि ए और बी, ए बी और बी ए बराबर आए। ये कहता है कि ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होगा अगर ऐसा है तो, ए बी और बी ए बराबर होंगे तभी ये सिमेट्रिक होगा। दूसरी चीज इसका उल्टा, जब इफ एंड ओनली इफ लगा होता है तो आपको इसको अज्यूम करना है, ठीक है, ये देखना ठीक लिखा है, और इसको प्रूव करना है। एक बार तो ऐसे करना होता है आपको कि पहले वाले को अज्यूम करोगे और सेकेंड वाले को प्रूव करोगे, फिर उल्टा इसको अज्यूम करोगे और इसको प्रूव करोगे, इसको अज्यूम करके आपको ये प्रूव करना है, इसको अज्यूम करके आपको ये प्रूव करना है। इफ एंड ओनली इफ लगा होगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, दोनों पार्ट, ये चीज है तो वो होगी, वो है तो ये होगा, फर्स्ट है तो सेकंड होगा, सेकंड है तो फर्स्ट होगा, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो जरा बच्चों, पहले हम लेके चलते हैं कि ए बी इज सिमेट्रिक, मैंने बोला ना ये वाला हम अज्यूम करेंगे और सेकंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे, तो पहले अज्यूम करते हैं हम लेट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी कैसी मैट्रिक्स है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक बात बताओ, ए बी सिमेट्रिक होने का क्या मीनिंग है, दिव्यम आप बताओ, ए बी सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है। दो नहीं बेटा, ए बी तो वही एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो एक नई मैट्रिक्स आएगी दैट इज ए बी, अगर वो सिमेट्रिक है इसका क्या मतलब हुआ। बेटा सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स में कि उसका ट्रांसपोज अपने खुद के इक्वल है। ए बी अगर सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने खुद के बराबर है, खुद के बराबर मतलब ए बी के बराबर है, यही मतलब हुआ साहिरा। अब एक बात बताओ बच्चों, हम ए बी ट्रांसपोज जब दो मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज होता है ऐसे ए इंटू बी के ऊपर ट्रांसपोज, तो ये कैसे ओपन होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वंश भैया एक एनसीईआरटी नाम की पुस्तक आती है, वो परचेज कर लीजिए, तो उसको उसको कभी कभी खोल भी ले लीजिए, है ना, कभी कभी उसको घर पे खोल के देख लीजिए। बी डैश किसके इक्वल है, दिया हुआ है बी के इक्वल। ए डैश किसके इक्वल है, दिया हुआ है ए के इक्वल, दैट इज इक्वल टू ए बी। देखो बच्चों, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया बी ए इज इक्वल टू ए बी। देखो बी ए इज इक्वल टू ए बी, यही तो प्रूव करना था। हमने अज्यूम क्या किया कि ए बी सिमेट्रिक है, ये हमने अज्यूम किया,
और इससे हमने सेकंड वाला रिजल्ट क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, राइट। हमें यही करना था। अब जस्ट इसका रिवर्स करेंगे, आप इसको अज्यूम करेंगे और पहले वाला पार्ट यानी कि ये प्रूव करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है, ठीक है बच्चों। हम अज्यूम कर लेते हैं सेकंड पार्ट में, लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या अज्यूम कर लिया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमने अज्यूम कर लिया, करेक्ट। अब एक बात बताओ, प्रूव क्या करना है आपको कि ए बी सिमेट्रिक है। प्रूव ये करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आए। ए बी का ट्रांसपोज क्या आए, ए बी के इक्वल आए, तभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करके दिखाते हैं। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, साहिरा बताओ ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, दैट इज। अब साहिरा ने सोचा कि पिछली बार वंस बोला था, मैं तो चुप ही रहती हूँ। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू देखो क्या है, वो तो क्वेश्चन में दी हुई थी, बी है, ठीक है। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई थी, ए के इक्वल है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे। ये बी ए के इक्वल आ गया, ए बी का ट्रांसपोज निकाला और बी ए के इक्वल आ गया। लेकिन हम क्या अज्यूम करके चल रहे, देखना कि ए बी बी ए के बराबर है, ये हम अब के बाद अज्यूम करके चल रहे हैं। तो ए बी अगर बी ए के बराबर है तो बी ए के जगह हम ए बी लिख सकते हैं। सो बच्चों हमने फाइंड किया ए बी का ट्रांसपोज और वो किसके इक्वल आ गया, तो ए बी कैसी मैट्रिक्स हुई, सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने खुद के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है करेक्ट। जाना तो आगे की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, देख के घर से देख के करके आओगे, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का भी टेस्ट बताओ, एक दो दिन में ले रहा हूँ मैं, आज अपना तैयार कर लेना है चैप्टर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेडनेसडे को हम ये टेस्ट रख देंगे, तब तक आप अपना ये चैप्टर रिवाइज कर लो। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 25th को देखो जरा, क्या दिया हुआ है 25th में। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, मैट्रिक्स ए बताओ क्या गिवन है। 2 minus 1 3 4, ठीक है। बी क्या गिवन है, 5 2 7 4। सी क्या गिवन है, 2 5 3 8। और डी हमें फाइंड करनी है, मैट्रिक्स डी हमें फाइंड करनी है। सो बच्चों डी का पहले आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा कि डी का ऑर्डर क्या होगा। यहां पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है CD minus AB इज इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। सो बच्चों C को और D को मल्टीप्लाई होने के लिए D का ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए, C और D को मल्टीप्लाई हम कर पाए इसके लिए D का ऑर्डर, C का ऑर्डर बताओ, C का ऑर्डर 2/2 है, D का ऑर्डर हमें पता नहीं है, माइनस A का ऑर्डर, A का ऑर्डर कितना है बच्चों, 2/2 है, और B का ऑर्डर कितना है, ये भी 2/2 है, ठीक है। वैसे तो सारे 2/2 के हैं, तो ऐसा लग रहा है कि D का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा, फिर भी उसको कंफर्म कर लेते हैं। मान लो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, P क्रॉस Q, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, 2 into 2 आएगा, क्योंकि ऑर्डर कैसे आता है, फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम से, फर्स्ट के रो और सेकंड के
कॉलम से आता है, ठीक है, सो टू बाई टू का ऑर्डर आएगा। अब सी डी का ऑर्डर भी वही होना चाहिए, तभी हम दोनों को माइनस कर पाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस कौन सी मैट्रिक्स होती है, इक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स। अनइक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो सी डी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, लेकिन यहां से तो सी डी का ऑर्डर हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए टू क्रॉस क्यू। तो सो फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए, टू बाई टू के इक्वल होना चाहिए। तो कंपेयर करोगे तो क्यू किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल आ गया। तो पी किसके इक्वल आया था, टू के इक्वल। क्यू किसके इक्वल आ गया, टू के इक्वल। सो डी का ऑर्डर कितना हो गया, टू बाई टू। डी का ऑर्डर अब हमें पता लग गया, लेट डी मैट्रिक्स कितनी है, डी मैट्रिक्स की वैल्यू है ए बी सी डी, ठीक है। डी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, करेक्ट। चलो जरा आगे, अब हम फाइंड करते हैं, हमें दिया हुआ है सी डी, तो पहले सी डी फाइंड कर लो या डायरेक्टली फाइंड कर लो। सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो जरा सी डी, सी की वैल्यू बताओ बच्चों, 2538, 2538। डी की वैल्यू बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। माइनस ए की वैल्यू बताओ, 2-1, 3-4। बी की वैल्यू बताओ, 5-2, 7-4, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ऑल राइट, बताओ मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड का साइरा कितना आएगा, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, दिस इज माइनस, सॉरी माइनस, बोलो 10 माइनस 7, ठीक है, 10 माइनस 7 4, माइनस 4 15, माइनस 28 8, माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। 6 6 होना चाहिए था, यहाँ प्लस 28 प्लस आएगा, यहाँ आना चाहिए 6 और यहाँ आना चाहिए प्लस। क्या आ गया बच्चों यहाँ से, 6 प्लस 16। ओह माय गॉड, वंस भैया सॉरी। तो बच्चों बताओ क्या बन गया, ये बना 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d, दैट इज इक्वल टू, सॉरी माइनस, माइनस कर लो या इसको उधर लेके जाओ, इस मैट्रिक्स को अगर राइट में ले जाए हम बच्चों, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 4 0, ये कितना हो गया बच्चों, 30 43, चेक करो 43, और ये 22। कंपेयर करो, इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, और ए बी सी डी फाइंड करो। एक तो जीरो वाली से इक्वेट करो पहले, क्या आता है, जीरो वाले से इक्वेट करो, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू जीरो, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू जीरो। तो 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, -5d, b की वैल्यू क्या आ गई, -5/2d। एक तो ये आता है हमारे पास, और एक इक्वेशन बच्चों यहां पर है 3b प्लस 8d,
थ्री बी प्लस एट डी इज इक्वल टू 22, थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस एट इंटू डी दिस इज 22. सो एट डी इज इक्वल टू व्हाट, 22 माइनस ये उधर जाके 15 हो जाएगा बाई टू. करो बच्चों वैल्यू फाइंड. बताओ फिर डी की वैल्यू क्या आई? 44 प्लस 15 बाई टू, फाइनल वैल्यू बता दो बस. 9 ऐसी वैल्यू आ रही है क्या आंसर में? देखो हाँ ऐसी है. 59/2 तो ये 55-15 हमारा कहाँ से आ गया? अच्छा गलत आया. 44 प्लस 15 फिर 16 डी कर दो ना, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम लेने के बाद. तो डी नीचे फिर भी वैल्यू तो नहीं आएगा ना. ये सर आप 48 तो बताई दी 16 गलत है, कुछ गड़बड़ है क्या? मेरा तो आ गया सर. इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन बताओ. तो मेरे साथ ही तो सॉल्व कर रहे थे, फिर तुम्हारी वैल्यू कैसे बदली? समय था इक्वेशन. अच्छा डी हटा दिया मैंने इसलिए गड़बड़ हो गई. डी था ना ये साथ में, डी गायब हो गया. डी लगाओ भी इसके साथ, यहाँ डी भी तो था. तो माइनस 15 बाई टू डी प्लस में 8 डी दैट इज इक्वल टू 22. माइनस 15 डी प्लस 16 डी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 22. क्या बाकी बचेगा बताओ जरा? डी इज इक्वल टू 44. यहाँ से डी आपका 44 आएगा. ठीक है बाकी वैल्यूज डी आ गया, अब बी निकाल दो. बताओ बी इज इक्वल टू माइनस 5 बाई टू इंटू डी कितना? 44 माइनस 5 माइनस 110 110 माइनस. ठीक है बी आ गया राइट. इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप क्या फाइंड करोगे? ए और सी और फाइंड करोगे. ठीक है कर लिया आपने. क्या आई वैल्यू बताओ? ए की 191. ये कितना आया? माइनस 191 सी 77. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म. कोई क्वेश्चन पीछे तो नहीं बचा था? ये देखो भाई ये एक थ्योरम है थ्योरम 4, और ये मान के चलो मैं ये थ्योरम टेस्ट में 100% बता रहा हूँ, तुम्हें भी दूंगा. ठीक है अब देखते हैं बताने के बाद कितने लोग ठीक करते हैं. ये कहते हैं ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? इन्वर्टिबल का मतलब है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे. जैसे हम नंबर्स के केस की बात करें, नंबर्स के केस की बात करें तो क्या होगा? कितने नंबर ऐसे होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? आकाश जैसे 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/5. 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/6. तो कितने नंबर ऐसे होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है विष्णु? तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो 0 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो जीरो का इनवर्स क्या होगा बच्चों? 1/0. क्या 1/0 एग्जिस्ट करता है कभी? हम इसको नॉट डिफाइंड नाम का एक वर्ड दिखते हैं. सो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि डिफाइंड नहीं होता वो. इसी टाइप से बच्चों मैट्रिक्स का भी कभी कभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. जब हम डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि ए इनवर्स फाइंड करने का मेथड क्या होता है. 1/determinant A into adjoint A, ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाता है.
तो ये तो तभी आ सकता है जब ये वाली वैल्यू नॉन जीरो हो, यानी कि डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो हो। अभी आप डिटरमिनेंट के बारे में नहीं जानते, बट फिर भी आप ये समझो कि तब ये वैली वैल्यू नॉन जीरो होगी तभी ये एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इनवर्स सिर्फ उन्हीं का एग्जिस्ट करता है जिन मैट्रिक्स के लिए उनका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। ये हम बाद में सीखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, राइट। बट ये तो पता लग गया इससे कि ये तो आइडिया हो गया कि सबका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ का करेगा कुछ का नहीं करेगा। सो जिनका एग्जिस्ट करता है उन्हें कहा जाएगा इन्वर्टिबल, बाकी नॉन इन्वर्टिबल, राइट। सो यहां से हमें थोड़ा सा आइडिया ये हो गया कि इनवर्स सभी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिनका एग्जिस्ट करता है उनको कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उनको क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। बट इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है। बी भी कैसी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, मतलब इनका एग्जिस्ट करता है इनवर्स। तो क्या कह रहा है ये, ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा। थ्योरम ये है कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो ए बी का इनवर्स बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। इनवर्स को हम माइनस वन से लिखते हैं, कैसे प्रूव करोगे इसको, देखो जरा बच्चों। मान लेते हैं एक बात बताओ, इनवर्स का मतलब क्या होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, आई। तो a का इनवर्स कौन होगा, b। a इंटू बी, b इंटू ए, आई के इक्वल आए, तो a का इनवर्स कौन होगा, b, करेक्ट, ठीक है। मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, आइडेंटिटी। बच्चों ए के इनवर्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, ए इनवर्स, और इस केस को देखें तो ए का इनवर्स कौन है यहां पर, बी, राइट। एक बात बताओ, अगर मैं ए बी, ए बी को ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी को ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये किसके इक्वल आएगा बताओ जरा। ए बी को ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किसके इक्वल आएगा, आकाश बताओ। ए बी को एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आइडेंटिटी आता है। नंबर्स की केस में देखो, 5 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1, 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नंबर्स में, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी। सो ए बी को बच्चों, ए बी मैट्रिक्स, ए बी इज ए मैट्रिक्स, ए बी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोथ साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूं, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, करता है ना। तो ए इनवर्स से मैं बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्री का मतलब पहले, ए बी होल इनवर्स, और राइट साइड में भी मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। अब एक बात बताओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव होता है, मैं यहां पर एसोसिएटिविटी चेंज कर देता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है ना, आप ए इंटू बी इंटू सी करेंगे या ए इंटू बी इंटू सी करेंगे तो ये इक्वल रहेगा, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू, अच्छा ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इज ए मैट्रिक्स,
ए इनवर्स भी तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होगी, किसी नंबर का इनवर्स एक नंबर ही होता है, ऐसे ही मैट्रिक्स का इनवर्स भी क्या होगा, मैट्रिक्स होगी। सो ए इनवर्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स सेम वापिस सेम मैट्रिक्स आती है। अब यहाँ पर देखो, बताओ यहाँ क्या आएगा, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यहाँ पर भी यही है, ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी, और ये क्या बन गया, ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्या समझ आया आपको अर्जुन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू सम मैट्रिक्स क्या होता है? अर्जुन तो कोई है ही नहीं, मैं अर्जुन क्यों बोल रहा हूँ, अर्जुन तो उधर था, विष्णु बोलना था मुझे, वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो बी आ जाएगा। क्या हो गया भाई, दिमाग कहाँ रहता है, चलो अच्छा ये बताओ, अब ये आ गया, अब मैं दोनों साइड बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले, अगर लेफ्ट साइड में बच्चों प्री मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट में भी प्री मल्टीप्लाई ही होगा, करेक्ट, राइट में भी क्या होगा, प्री मल्टीप्लाई होगा। दिस इज व्हाट, बताओ साइरा, बी इनवर्स इनटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, करेक्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू सम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इटसेल्फ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, और आई थिंक हमें यही प्रूव करना था कि ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, समझ आया ठीक है, ऐसे करना है। रिकॉर्डिंग के टाइम ब्लूटूथ काम नहीं करता, सिलेक्शन का भी ऑप्शन होना चाहिए सर, ये इसके बाद जाना ही नहीं होगा कहाँ पर, जब ये ऑर्डर बी टू ए इसके बाद कौन सा स्टेप, ये लास्ट, ये आप दोनों साइड बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया प्री, ठीक है, और बी इनटू बी इनवर्स आइडेंटिटी बन गया। चलो इसको एक बार दोबारा लिख के दिखाओ बच्चों, हमें ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी हुई थी, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और हमें ये प्रूव करना था, थ्योरम हमारी ये थी कि ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के इक्वल है, ये प्रूव करना था, ठीक है लिखो। सो हमने क्या किया, आकर्ष नहीं आया, आकाश
हमने ए बी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ए बी को किससे मल्टीप्लाई किया, उसके इनवर्स से। ठीक है, ए बी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, आई बन गया। फिर हमने दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, है ना, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, ये बना ए इनवर्स इंटू ए आई, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। आ जाओ इधर आ जाओ, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या इतना बना था आई, बी एज इट इज और ए बी इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स। ठीक है, यहां पर प्री मल्टीप्लाई करके एसोसिएटिविटी चेंज कर दी थी, आई इंटू बी क्या बन गया था, बी बन गया था इंटू ए बी इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स। ठीक है, उसके बाद बी इंटू ए, सॉरी हाँ, उसके बाद प्री मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स से, बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी, है ना, लिखते जाओ।